स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हरीश चोपड़ा। आज के दौर में जिसे हम वैश्वीकरण का युग कहते हैं और जब से भारत में आर्थिक उदारवादी नीतियों को अपनाया जाने लगा तब से शेयर बाजार की चाल, निवेश की गति, आयात निर्यात और समूचे विश्व पर अर्थव्यवस्था का प्रभाव इस बात का आकलन करने के लिए लोगों को समझ आने लगा। कुछ दशकों पहले आर्थिक जगत के मामलों में कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन आज लोग काफी जागरूक हैं और वो अपना निवेश उसी जगह करना चाहते हैं जहां उनको फायदा मिल सके। इसी मामलों पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्याम सुंदर गोयल जी। तो गोयल जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूँ। नमस्कार सर। तो दर्शकों, श्याम सुंदर गोयल जी के बारे में बता दूं कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स है और उसके बाद म्यूचुअल फंड में उन्होंने AMFI की डिग्री हासिल की है और पहले वो जीवन बीमा निगम से जुड़े और उसके साथ साथ उन्होंने MDRT USA से महारत भी हासिल की है और वो 1000 परिवारों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो गोयल जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि आज के दौर में हर आदमी, हर युवा चाहता है कि वो रातों रात अमीर बन जाए, वो रातों रात कम पैसों से करोड़पति बन जाए। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि निवेश के प्रिंसिपल्स क्या क्या है। सर, जिस तरह से एक फार्मर एक बीज लगाता है तो वो ओवर द नाइट वृक्ष बन के फल नहीं दे सकता, इसी तरह से कोई भी निवेश थोड़े समय में बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बन सकता। आज जो हमारा निवेशक है वो ये चाहता है कि बहुत थोड़ा पैसा लगा के बहुत जल्दी बहुत बड़ा अमाउंट बना ले, ये संभव नहीं है। निवेश को सही समय पे निवेश करके और कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल को अपनाते हुए वो अपने निवेश को बहुत बड़ा बना सकता है और बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। तो गोयल जी ने कहा है कि धन जो है वो पेड़ों पर नहीं उगता, इसके लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आपने एक बात कही है कंपाउंड इन्वेस्टमेंट की जी, तो कंपाउंड इन्वेस्टमेंट क्या है और इसे हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? कंपाउंडिंग के निवेश के अंदर कंपाउंडिंग का जो प्रिंसिपल है वो सबसे ज़्यादा काम करता है। दोस्तों, पुराने ज़माने की एक कहानी है जिसमें एक निर्धन कवि होता था, वो बहुत ज़्यादा गरीब आर्थिक स्थितियों से जूझ रहा था। अचानक उसके दिमाग में कुछ धन कमाने की आई, वो एक राजा के पास गया और वहाँ पे जाके उसने अपनी कविता सुनाई। कविता सुनने के बाद राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि आप जो मर्जी धन मांग लो। वहाँ पे एक शतरंज रखी हुई थी, उसने कहा कि यहाँ पे आप पहले खाने पे एक चावल का दाना रखो, दूसरे पे दो और इस तरह से डबल करते हुए जो 64वें खाने पे दाने आए चावल के वो मुझे दे दीजिए। राजा कहता, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए मांग ले, धन, मुद्रा, मोती, सोना, तो ये क्या छोटे से चावल के दानों में पड़ा है? कहता, नहीं जी, मुझे तो बस ये थोड़े से जो चावल के दाने आए वो दे दीजिए। गणना शुरू हुई और 64वें दानों पे दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि जो चावल आए वो पूरे उसके देश या पूरे साम्राज्य में नहीं थे और आखिर राजा को पूरी अपनी धन दौलत को छोड़ना पड़ा। तो कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल वही प्रिंसिपल है कि आप 5000 रुपये मंथली निवेश अगर छोटा सा भी करें और 6-7% की कंपाउंडिंग लें तो वो 20 साल के अंदर आपका 24 लाख रुपए हो जाता है और 35 साल के अंदर वो 1 करोड़ रुपए हो जाता है। देखा दोस्तों आपने, सिर्फ निवेश में 20 साल से 35 साल में जब गए तो डिफरेंस सिर्फ 9 लाख रुपए का आया, लेकिन वहाँ पे जो इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है वो 71 लाख का हुआ। बोलिए, एक प्रश्न मेरा मेरे मन में भी है कि आज के दौर में जब बहुत सारी कंपनियां नहीं आ रही हैं, कहीं स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है और कहीं ये कहा जा रहा है कि स्टार्टअप परियोजनाएं हैं, बहुत सारे उदाहरण हमारे समाज में ऐसे हैं जहां भारतीय मूल के, यानी जिसे हम कहते हैं अप्रवासी भारतीय युवकों ने भी अपना नाम कमाया है और बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO बन गए हैं, कुछ नए परियोजनाएँ भी उन्होंने शुरू की है, तो ये कैसे संभव हो पाया? ये संभव हुआ उनके प्रयास से, मेहनत करने से और उनके एक एक फोकस होकर अपने प्रोजेक्ट को लेके चलने से। हमारे सामने कई समाज में अभी एग्जांपल आए हैं जिसके अंदर कल्पना सरोज जो अतीत काल में एक सिलाई की फैक्ट्री में काम करती थी और वहाँ पे मात्र 2 रुपये रोज की इनकम लेती थी, उन्होंने आगे चल के अपनी मेहनत पे और अपने कार्य पे फोकस किया, लोगों को बैंक से लोन दिलाने पे हेल्प करी। धीरे धीरे एक कंपनी उनके संपर्क में आई, उस कंपनी ने कहा कि आप हमारे को गाइड करें, उन्होंने उस कंपनी को गाइड करना शुरू किया। उस कंपनी की वित्तीय स्थिति बहुत ख़राब थी लेकिन उसने प्रयास करके, जगह जगह मेहनत करके उस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया और आज उनकी संपत्ति 500 करोड़ से ऊपर है। इसी तरह से हम देखते हैं फनिंदर सामा जो एक फैक्ट्री के अंदर वर्कर थे, बहुत कम रुपये के अंदर एक सैलरी ले रहे थे, इलेक्ट्रीशियन थे, बाद में उन्होंने लोगों को सुविधाएं देने के लिए सोचा, बस में जाते वक्त
जब बस के अंदर दिक्कत आती थी टिकट के रिजर्वेशन के लिए, तब उनका ध्यान आया कि हम जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। उन्होंने redbus.com का स्थापना की और आज उसकी वैल्यूएशन 1,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। तो गोयल जी, आपने इस विषय पर, क्योंकि आप बहुत सारे परिवारों को परामर्श देते हैं, उन्हें उसका लाभ भी हो रहा है कि किस तरह से आपने निवेश किया, आपने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, तो एक पुस्तक मेरे सामने पड़ी है निवेश और समृद्धि, इसका समाज पर क्या प्रभाव रहा, कैसा इसका प्रतिक्रिया लोगों ने दी इस पर? इसका समाज के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव जा रहा है। ये जो पुस्तक है, निवेश के अलग अलग माध्यमों में उसको गाइड करने की कोशिश की है कि आप कहीं भी निवेश करो, चाहे वो जीवन बीमा हुआ, फिक्स डिपॉजिट हुआ, PPF हुआ, NSC हुआ, शेयर मार्केट हुई, म्यूचुअल फंड हुई, किसी भी चीज़ के अंदर आप निवेश करिए, कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल्स को समझ के निवेश करिए। सही तरह से इसके अंदर हमने मार्गदर्शन करने की कोशिश की है कि कहाँ निवेश करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जिससे आपके कुछ हजार रुपए करोड़ों रुपए में बदल सकें। तो श्याम सुंदर गोयल जी ने बहुत ही अपने अनुभवी वक्तव्य में बताया कि आपको किस तरह से और किस ढंग से निवेश करना चाहिए। अगर आप भी निवेश करना चाहते हैं या कोई परामर्श लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नीचे लिखे फोन नंबरों पर आप श्याम सुंदर गोयल जी से संपर्क कर सकते हैं। तो श्याम सुंदर गोयल जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब समय हो गया है आपसे एक छोटा सा ब्रेक लेने का, जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।